हमें तो हम चाहते हैं कि हमें बुरे दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन की बात कर रहे थे, हम बुरे दिन का ही इंतजार कर रहे हैं कि बुरे दिन ही लौटा। यानी 10 सालों में 5-6 का हम गिनवा दीजिए आप। केवल प्रचार में सबसे आगे हैं, यानी जिस दिन देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा उस दिन देश का सर्वनाश हो जाएगा, ये आप लिख कर रख लीजिएगा। पोस्टर लगा देने से बेमिसाल थोड़ा ही हो जाता है। क्या पहले लाल किला नहीं थे, अभी बन गए हैं? पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नहीं था, अभी बन गया है? केवल योजनाओं का नाम बदला हुआ, पहले इंदिरा आवास था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है, बस इतना ही तो फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। राज्य के चुनावों का शोर है तो वहीं 24 को लेकर भी तैयारियां आप तेज हो चुकी हैं। जनता के बीच हाजिर और जनता से जानती हूं कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मैं जनता के बीच जाती हूं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर सवाल करती हूं और साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर जनता के भीतर क्या माहौल बना हुआ वही सब जान लेती हूं। भैया मेरे साथ जुड़ चुके, क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, कई राज्यों में चुनाव है उसको लेकर तैयारियां तो जमकर हो चुकी है, अलग अलग पार्टियां वादे भी कर रही हैं, आपको क्या दिख रहा है कि 24 से पहले जो राज्यों में चुनाव है क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होगा, यानी जो रोजगार की बात करेगा सत्ता में वही आएगा। और मोदी जी, यानी कि काफ़ी लोग मोदी से नाराज़ हो चुके हैं, इसलिए कि वो रोजगार की बात करके उन्हें दिए हैं। पहले तो 15-15 लाख बोले थे देंगे और 15-15 लाख का पता नहीं, बोले थे सिलेंडर का दाम कम होगा, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल का दाम उस समय 60 रुपये था, आज 100 रुपये है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा है। और बाद में बोलते हैं कि महंगाई का एवरेज जो होता है दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो आखिर आप आए क्यों थे? आप तो आए थे सस्ता करने ना, तो आखिर महंगा क्यों हो गया? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि महंगाई की बात करते करते केंद्र सरकार बनकर आई BJP और अब भूल गई महंगाई का, भूल गई अब तो और बढ़ा रही है। हमें तो हम चाहते हैं कि हमें बुरे दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन की बात कर रहे थे, हम बुरे दिन का ही इंतजार कर रहे हैं कि बुरे दिन ही लौटा दे। महंगाई तो पहले की सरकारों में भी हुआ करती थी, अभी क्या ज्यादा बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं वो महंगाई कम करने आए थे पहले के सरकारों से, यानी कि जब महंगाई वो बढ़ा रहा था तो ये कम करने आए थे, तो फिर ये क्यों बढ़ा दिए? महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप चुनावों को लेकर? PM मोदी खुद चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, यानी चाहेंगे कि सारे देश में हमारा ही सरकार हो, सारे राज्यों में हमारा सरकार हो, देश में पूरा हमारा सरकार हो, वो तो प्रचार करेंगे ही, और सत्ता उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में, सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है, यानी कि विपक्ष के नेताओं को भी फंसाना बचाना सब उनके हाथ में है, उनके नेता नहीं फंसे बस, यानी कि वो भी जब विपक्ष में होंगे तो विपक्ष वाले भी अब उनको फंसाएंगे, क्या तो स्टार्टिंग कर दिए उस तरह का राजनीतिक नेताओं को जबरदस्ती फंसाना। कह रहे हैं कि BJP सरकार विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। बिल्कुल डराने धमकाने का काम करती है, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये बिहार में लालू यादव को, यानी कि लालू यादव के साथ में जगन्नाथ मिश्रा वगैरह भी थे, वो लोग मतलब भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचारी अगर पाए जाएंगे तो कार्यवाही तो होगी उन पर, ED CBI भी पहुँचेगी, इसमें BJP का क्या रोल? ED CBI अगर मान लिया, अगर भाजपा के नेताओं पर भी काम करता है तब तो मैं निष्पक्ष माना जाएगा, केवल विपक्षी नेताओं पर काम करता है तो निष्पक्ष कैसे माना जाए इसको? मतलब आप ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष ही नहीं है जांच एजेंसी? हाँ, निष्पक्षता से हो, हम चाहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार करे बचे नहीं, निष्पक्षता से मतलब उसकी जांच हो, या वो भाजपा में हो, RJD में हो, JDU में हो, या कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, पक्षपात ना हो। भ्रष्टाचार को लेकर गारंटियां दे रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी पर किसी भी तरीके की बचाई नहीं करने वाला, कार्यवाही होगी? नहीं, सब फेक है, वो कोई नहीं, अपने नेताओं को बचाते हैं और विपक्षी को फंसाते हैं, उनका काम है केवल विपक्षी को डराना धमकाना, विपक्षी को खत्म करना। जिस दिन देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा उस दिन देश का सर्वनाश हो जाएगा, ये आप लिख कर रख लीजिएगा। विपक्ष का रहना एकदम अति आवश्यक है। कैसे हो पाएगा NDA बनाम BJP, अगर हम कर लें इंडिया की, तो कौन ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो रोजगार की बात करेगा वही आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि रोजगार की बात कौन कर रहा है, युवाओं की बात कौन सा नेता कर रहा है? इंडिया ही करेगी। इंडिया, घमंडी गठबंधिया, घोटालेबाज एक साथ आ गए, इस तरीके के आरोप। बिहार में इंडिया की अभिंग RJD है जो रोजगार की बात कर रही है और दे भी रही है। पिछले सरकार में, यानी कि वहाँ भाजपा और JDU सरकार में थी, तो उस समय रोजगार नहीं मिल रहा था, और बहुत सारे बहाली आई है। तो BJP ने भी किया था कि कई करोड़ नौकरियां देंगे, किया था लेकिन दिया नहीं ना, दे तो रहा है RJD, यानी कि इंडिया का भी अंग है वो। तो मोदी की लहर खत्म हो रही है? खत्म हो रही है, बिल्कुल नहीं खत्म हो रही है। मोदी नहीं आएंगे, हम मोदी नहीं आएंगे, मोदी राज में तो अरे सर, राम को भी राजनीति का शिकार होना पड़ा है, राम जी, BJP राम की राजनीति कर, हाँ, राम को भी ऐसी कटघरी में अगर खड़ा होना पड़ा है, राम के नाम पर वोट मिल रहा है, फिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है नहीं, धर्म के नाम पर वोट लेना मतलब सही बात नहीं ना है,
किसी के धर्म कि इस बार का चुनाव विकास के नाम पर होगा या फिर धर्म और जाति के नाम पर? विकास का नहीं, देखिए धर्म जो मैंने धर्म को मानता है, यानी हम हिंदू है हम हिंदू को मानते हैं, जो मुस्लिम मुस्लिम को माने वो अलग मैटर है, ऐसा बात नहीं। अब उसी पर चुनाव हो जाए ये गलत बात है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। हमारे कहना तो विकास कर रही है, 9 सालों में आसमान छू रहा है विकास। कुछ नहीं छू रहा है, सिलेंडर उस समय 400 रुपये था 1000 रुपये है, उस समय पेट्रोल 60 रुपये था 100 रुपये है, सारे चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है। उस समय ट्रेन का काम भी तो देखे ना, 9 साल भी मिसाल बीजेपी कह रही है, आप सिर्फ बुरे बुरे देख रहे हैं। पोस्टर लगा देने से बेमिसाल थोड़ा ही हो जाता है, क्या पहले लाल किला नहीं था अभी बन गए हैं, पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नहीं था अभी बन गया है, केवल योजनाओं का नाम बदला हुआ, पहले इंदिरा आवास था प्रधानमंत्री आवास योजना है, बस इतना ही तो फर्क है। पहले देश की जनता को ठगा जाता था, एटीएम समझा जाता था, बीजेपी राज में सीधी सुविधाएं गरीबों तक पहुँच रही है। कुछ नहीं सुविधा है, आप पाँच अच्छे काम आप गिनवा दीजिए मोदी जी का 2014 के बाद से, यानी 10 सालों में 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए आप। देखिए देखिए शौचालय हमने दे दिया, नल जल की सुविधा हमारी सरकार में लोगों तक पहुंच रही है, राशन तो लगातार सरकार दे रही है, तो सबसे बड़ी जरूरत तो राशन है लोगों की, और साथ में देखिए पक्की छत भी मिल रही है। राशन पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है, रहा बात घर का तो घर पहले इंदिरा आवास के नाम पे मिलता था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, और नल जल जो है, नल जल मतलब काफ़ी जगह लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नल जल में यानी कि राज्य सरकार का भी पैसा उसमें लग रहा है, बिहार में नल जल लगा है वो राज्य सरकार के पैसे से लगा है। कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, काम कम है जमीनी। हाँ केवल प्रचार में सबसे आगे हैं, यानी पोस्टर वाले कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि इस बार बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? हाँ तो अब समय आने पे पता चलेगा, यानी रोजगार। क्यों कह रहे हैं कि मोदी इस बार गए वो नहीं आएंगे सरकार? सरकार बदलती हुई अच्छी रहती है, देखो मौसम भी बदलते हुए अच्छे रहते हैं, मतलब परिवर्तन जरूरी है। हाँ बदलने अच्छी नहीं लगी मोदी सरकार? बढ़िया ही नहीं है, गरीबों का